Assalamualaikum everyone, welcome to Learning with Maimuna. I hope you all are going well. Today's video is about how can we create a PowerPoint presentation. PowerPoint presentation बनाने के लिए कौन कौन से steps involved हैं, हम उन सबको देखेंगे. चलें start करते हैं. The first step is to launch the PowerPoint program. हमने start option में जाके basically Microsoft जो PowerPoint office है उसको open up करना है, और open करने के बाद हमारे पास जो है Microsoft जो PowerPoint एक PPT document है वो open हो जाएगा, क्रिएट हो जाएगा. उसके बाद स्टेप टू इज टू चूज द डिज़ाइन फॉर योर प्रेजेंटेशन. कि यहाँ पे हम डिज़ाइन ऑप्शन में जाएंगे, यहाँ पे हमारे पास ये डिफरेंट डिज़ाइंस हैं जो कि हम चूज़ कर सकते हैं अपनी प्रेजेंटेशन के लिए. बेसिकली ये डिपेंड करता है कि आपकी प्रेजेंटेशन किस टॉपिक पे है, और उसके अकॉर्डिंगली जो वो डिज़ाइन चूज़ करके आप जो है अपनी स्लाइड में ऐड कर सकते हैं. यहाँ पे ये डिफरेंट डिज़ाइंस हैं जो आप चूज़ कर सकते हैं, और फिर अपनी स्लाइड के अकॉर्डिंग जो है वो उसको देख सकते हैं. यहाँ पे इसके डिफरेंट वेरियंट्स हैं, यहाँ पे इसके डिफरेंट कलर्स जो हैं वो आप चूज़ कर सकते हैं. इसमें फर्दर और कलर्स भी हैं जो कि आप अपनी स्लाइड के अकॉर्डिंग जो है देख के, अपनी विश के अकॉर्डिंग जो है उसको आप एडअप कर सकते हैं. यहाँ पे इसके डिफरेंट कलर्स हैं. ठीक हो गया. उसके बाद स्टेप टू इज़ टू मेक द टाइटल स्लाइड. कि हमने टाइटल स्लाइड कैसे बनानी है. यहाँ पे हमारे पास जो है ये टाइटल स्लाइड ओपन है ऑटोमेटिकली. आप जब पावर पॉइंट डॉक्यूमेंट ओपन करेंगे तो ये टाइटल स्लाइड जो है अपीयर हो जाएगी. यहाँ पे हमारे पास टू जो हैं वो बॉक्सेस हैं बने हुए हैं. फर्स्ट वन इज़ ई क्लिक टू ऐड टाइटल एंड देन क्लिक टू ऐड सब टाइटल. क्लिक टू ऐड टाइटल में आप जिस टॉपिक पे अपनी प्रेजेंटेशन बना रहे हैं उसका बेसिकली जो टाइटल है उसको यहाँ पे आप जो मेंशन करेंगे, राइटअप करेंगे उसका बेसिकली. फॉर एग्जांपल अगर मैं लिख रही हूँ बी पॉजिटिव, इसके ऊपर मैं अपनी प्रेजेंटेशन बना रही हूँ, तो इसका इस तरह लिख के टाइटल, उसके सब टाइटल में आपने जो है अपना इंट्रो या फिर कोई भी बायोडाटा या कोई भी पॉइंट अपना ऐसा लिखना है. कि जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं अपना नेम मैंशन कर देती हूँ. ठीक हो गया. इसको मेंशन कर दिया. उस लिहाज से आप देखते हैं कि इसका फ़ॉन्ट साइज़ और स्टाइल जो है उसको चेंज करने का देखते हैं. कि यहाँ पे हम इसको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ ऊपर ऑप्शन में जाएंगे तो हमारे पास ये लिखा हुआ है फ़ॉन्ट. यहाँ पे इसका ये फ़ॉन्ट स्टाइल की कैटेगरी है, और यहाँ पे ये फ़ॉन्ट साइज़ चेंज करने के बारे में है. फर्स्टली अगर हम इसका स्टाइल देखें तो यहाँ पे ये डिफरेंट स्टाइल्स हैं. आप कोई भी अपनी विश के अकॉर्डिंग जो है उसको चूज़ कर सकते हैं. आई विल गो फॉर द टाइम्स न्यू रोमन. ठीक हो गया. और इसका आप साइज़ देख लेते हैं. साइज़ आप अपनी उस लिहाज से देख सकते हैं कि स्लाइड के ऊपर इसका साइज़ कितना अच्छा लगेगा. आई विल गो फॉर 96 फॉर. और इसको बेसिकली फर्दर बोल्ड कर देंगे ताकि इसकी प्रेजेंटेशन जो बेसिकली की अपीयरेंस है वो इन्हांस हो जाए. उसके बाद शेडो भी आप ऐड कर सकते हैं टेक्स्ट का. ठीक हो गया. ये आप यहाँ पे करके इसको बेसिकली अलाइनमेंट भी देख लेते हैं. यहाँ पे अलाइनमेंट जाएंगे पैराग्राफ ऑप्शन में. यहाँ पे ये डिफरेंट इसकी अलाइनमेंट है, लेफ्ट अलाइनमेंट हुई हुई है, हम सेंट्रलाइज कर देंगे. ठीक हो गया. उसके बाद जो नीचे जो सब जो था टाइटल उसको भी थोड़ा फॉर्मेट कर लेते हैं. सेलेक्ट कर लिया. यहाँ पे जाके टाइम्स न्यू रोमन इसका साइज़ भी थोड़ा लार्ज कर लेते हैं. ठीक हो गया. और बेसिकली ये क्या है, अपर केस में आई विल गो फॉर कैपिटलाइज ईच वर्ड. और इसका बेसिकली इसको भी सेंट्रलाइज कर देंगे करके, और इसको यहाँ पे रीसेट कर लेते हैं. बी पॉजिटिव इसको आप जो है वो बेसिकली देख लें किस तरह आपने सेट करना है, उस लिहाज से इसको सेट कर लें. ये टाइटल स्लाइड प्रिपेयर होगी. देन नेक्स्ट स्टेप इज़ हाउ टू ऐड न्यू स्लाइड. कि नेक्स्ट हमने अब कंटेंट वगैरह ऐड करना है, उसके लिए हमें न्यू स्लाइड सेलेक्ट करनी है. यहाँ पे ऑप्शन है न्यू स्लाइड, ये आप इस पर क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट न्यू स्लाइड जो है वो एडअप हो जाएगी. नीचे ये ऑप्शन आ रहा है न्यू स्लाइड, इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पे फर्दर डिफरेंट जो है विस्प ओपन हो गए हैं स्लाइड के. जैसे कि टाइटल स्लाइड है, टाइटल एंड कॉन्टेंट है, कंपेरिजन अगर हमने करना है कॉन्टेंट में, या फिर हमने ब्लैंक लेनी है जस्ट टू इंसर्ट पिक्चर और अ टेबल, या फिर हमने जस्ट टाइटल ऐड करना है या पिक्चर विद कैप्शन ऐड करनी है, और या फिर कोई नेम कार्ड, या फिर फर्दर इसकी डिफरेंट कैटेगरीज हैं जो आप सेलेक्ट करके उस पर क्लिक करके इसको ऐड कर सकते हैं. यहाँ पे ये टाइटल और कंटेंट स्लाइड ऐड हुई हुई है. यहाँ पे जो है आप अपना वो टाइटल या फिर जो भी आप लिखना है अपने अपना जो कीवर्ड्स हैं आप इस यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं. नीचे आप जो है वो कंटेंट ऐड कर सकते हैं.
ठीक है, कंटेंट के डिफरेंट पॉइंट्स ही आप ज़्यादा कोशिश करें कि स्लाइड के ऊपर जो है बहुत ज़्यादा ओवरलोडेड स्लाइड ना हो, जस्ट फ्यू पॉइंट्स हो फ्रॉम 5 to 6, और बहुत ज़्यादा जो डाटा स्लाइड के ऊपर जो ओवरलोडेड स्लाइड होती हैं वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। यहाँ पे आप डिफरेंट इसके पॉइंट्स ऐड कर सकते हैं, जैसे कि एक पॉइंट मैंने बनाया फॉर एग्जाम्पल, नेक्स्ट इसकी जो सेकेंड पॉइंट में मैं इसकी एग्जाम्पल लिख दूँगी, दैन इसकी फर्दर कुछ डिस्क्रिप्शन अगर मेरे पास है तो इस तरह फर्दर आप जो है अपना डाटा अपनी जो है वो PPT के अकॉर्डिंग जो है वो डाटा आप ऐड कर सकते हैं। उस लिहाज से इसको भी फर्दर आप फॉर्मेट कर सकते हैं, इसका फॉन्ट स्टाइल साइज चेंज करके, और फिर इसको अलाइन वगैरह कर सकते हैं। जैसे कि मैं फर्दर आपको यहाँ पे चेंज करके भी दिखा दूँ कि ये टाइम्स न्यू रोमन, इसको बोल्ड करें, थोड़ा सा इसको इन्हांस कर दें। ये इसका इतना इंट्रोडक्शन हो गया, फर्दर इसको भी आप जो है इसका भी फॉन्ट साइज स्टाइल जो है वो चेंज कर सकते हैं और इसका जो कॉन्टेंट दे सकते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है, हाउ कैन वी ऐड पिक्चर इन अवर स्लाइड। अगर नेक्स्ट हम स्लाइड सेलेक्ट करें, ब्लैंक स्लाइड है आगे यहाँ पे, इसके अंदर हमने अब पिक्चर ऐड करनी है, तो आप इंसर्ट ऑप्शन में जाएं, यहाँ पे डिफरेंट पिक्चर्स, ये पिक्चर ऑप्शन है, यहाँ पे आप जो है जाके अपने जो लैपटॉप है वहाँ उसकी डेस्कटॉप है या डॉक्यूमेंट्स में जहाँ पे पिक्चर बेसिकली अपनी PPT के अकॉर्डिंगली आपने सेव की हुई है, आप उसको जो है वो ऐडअप कर सकते हैं। यहाँ पे अगर मैं कोई भी पिक्चर ऐड कर दूँ, जैसे कि ये पिक्चर मैंने ऐड की, ये ऐड होगी, जस्ट क्लिक, मैम इंसर्ट में गई, पिक्चर ली, यहाँ पे उस पिक्चर के ऊपर क्लिक किया और इंसर्ट कर दी। उसके बाद फिर ये पिक्चर ऐडअप होगी, इसको आप अपनी स्लाइड के अकॉर्डिंग रिसाइज कर लें कि आपने कितने पोर्शन में जो है पिक्चर को रखना है। आप सेंटर में भी रख सकते हैं, आप एसएस जो है वो लेफ्ट लाइन में भी, राइट लाइन में, जिस तरह आपकी जो है अपनी विश के अकॉर्डिंग जो है पिक्चर को रीसेट कर सकते हैं। आप जो पिक्चर्स हैं वो ऑनलाइन पिक्चर भी ले सकते हैं, जैसे कि ऑनलाइन पिक्चर्स है, यहाँ पे आप जो है वेबसाइट पे यहाँ पे जाके आप पिक्चर सर्च कर सकते हैं, जैसे कि मेरा टॉपिक है बी पॉजिटिव। आप अपने जो जो आपने टाइटल लिया हुआ है जिसके ऊपर आप PPT बना रहे हैं, आप उसके अकॉर्डिंग भी पिक्चर सर्च कर सकते हैं, और देन आई विल गो फॉर दी सर्च, और यहाँ पे ये डिफरेंट पिक्चर्स ओपन हो रही हैं जो कि आप डायरेक्टली यहाँ से जो है अपनी प्रेजेंटेशन में जो है वो ऐड कर सकते हैं। जैसे कि मैं ये पिक्चर सेलेक्ट कर रही हूँ इंसर्ट, तो जो पिक्चर है ऑटोमेटिकली जो है वो इंसर्ट हो जाएगी। ठीक हो गया। ये जो लास्ट पिक्चर थी उसको मैं डेल कर दूंगी, ये पिक्चर क्या है ऑटोमेटिकली जो है वो इंसर्ट हो गई है। उसके बाद अब देखते हैं कि हम जो है टेबल कैसे ऐड कर सकते हैं। इसके लिए मैं एक न्यू स्लाइड जो है उसको ऐड करूंगी, ब्लैंक स्लाइड कोई। ठीक हो गया। उसमें मैं इंसर्ट ऑप्शन में जाऊंगी, यहाँ पे टेबल ऑप्शन है, यहाँ पे आप जो है वो कॉलम्स और रो के अकॉर्डिंग जो है अपनी वो टेबल को ऐड कर सकते हैं। अगर कॉलम मेरे पास जो है वो हैं 5 और रोज़ मेरे पास सिर्फ 2 हैं, या फिर हम उस लिहाज के अकॉर्डिंग जो आप अपना ये टेबल है उसको ऐड कर सकते हैं, और फिर या इस तरह जस्ट उसके ऊपर जाके ना इंसर्ट पे, फिर टेबल, और फिर इस तरह करके जस्ट आपने क्लिक करना है बस, उसके बाद ये ऐडअप हो जाएगा। उसके बाद इसको आप स्लाइड के अकॉर्डिंगली रिसाइज कर लें, और यहाँ पे इसका जो जो आपने कोई डाटा या कंटेंट है वो आपने ऐड करना है तो आप वो जो है ऐड कर सकते हैं। इस तरह मैं ये कंटेंट ऐड कर रही हूँ। ठीक हो गया। अगर आपको टेबल के ऊपर जो है यहाँ पे जो है उसकी हेडिंग भी चाहिए, तो आप जो है अपनी वो जो स्लाइड है आप ये टाइटल एंड कंटेंट स्लाइड ही सिंपल सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आप टाइटल लिखें और यहाँ पे नीचे आप जो है टेबल ऐडअप कर लें, फिर उस टेबल के बेसिकली आप रिसाइज कर लें अपनी स्लाइड के अकॉर्डिंग। और बेसिकली अगर आप देखें तो यहाँ पे हमारे पास टेबल के ऊपर अगर हम डबल क्लिक करें तो हमारे पास ऊपर ये टेबल स्टाइल्स आ गए हैं, उसके डिफरेंट कलर्स हैं। आप उन कलर्स को सिलेक्ट करके अपनी स्लाइड के अकॉर्डिंगली लेके जा सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, जो सा कलर अपनी विश के अकॉर्डिंग जो है सिलेक्ट करें और उनको ऐडअप कर सकते हैं। ठीक हो गया। आई विल गो फॉर द ग्रीन कलर, और इसको थोड़ा सा रिसाइज किया। फिर उसके बाद है कि नेक्स्ट ये हमारी उसके बाद फिर एक एंड स्लाइड है कि आप एंड पे उसका जो बेसिकली एंड अप करके या कुछ आपका जिस लिहाज उसका जो रेफरेंसेस हैं या फिर फर्दर जो एंड स्लाइड है आप उस लिहाज से उसको ऐड कर सकते हैं, जैसे कि दी एंड। आप अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग उसको ऐड करके उसका जो है साइज़ और रिसाइज जो करके इनहांस, तो वो आप उसको ऐडअप कर सकते हैं। और इसका अब नेक्स्ट जो लास्ट स्टेप है वो है स्लाइड शो। स्लाइड शो कैसे करना है, ये हमारे पास स्लाइड कंप्लीट हो गई है, ठीक है, हमने सेव भी कर ली फाइल में जाके, सेव एज करके जो हमने डेस्कटॉप या जो भी जहाँ पे भी आपने सेव करना है उसका नाम करके हमने वो सेव कर ली। ठीक हो गया।
अब नेक्स्ट हमने इसकी स्लाइड शो देखनी है, कैसे हमने इसको करना है। हम फर्स्ट स्लाइड ओपन की, यहाँ पे ये आ रहा है स्लाइड शो, इसके ऊपर हम करेंगे क्लिक तो हमारे पास ये मेन स्लाइड शो ओपन हो जाएगा। देन नेक्स्ट और एरो के साथ हम फर्दर इसको मूव करके जो है इसको फर्दर इसकी स्लाइड शो देखेंगे। ठीक हो गया, दैट्स ऑल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई होप यू ऑल विल लाइक माई वीडियो। क्लिक ऑन द लाइक बटन, आल्सो सब्सक्राइब माई चैनल, आल्सो क्लिक ऑन द बेल आइकन फॉर द फर्दर न्यू वीडियो नोटिफिकेशन एंड आल्सो शेयर दिस वीडियो। थैंक यू, जज़ाकअल्लाह।